हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RBI सिक्योरिटी गार्ड मैथ्स के क्वेश्चंस को, और सेट नंबर 24 है। इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के आते हैं। आप उन सभी वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, वो सभी प्लेलिस्ट में है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जितने भी नोटिफिकेशन रहे, जितने भी अपडेट रहे, सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। और 3 बजे से आपका लाइव क्लासेस भी होता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 3 से 5 बजे के बीच में लाइव क्लास होता है, ठीक है, ओके। चलते हैं टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। नंबर सिस्टम में सवाल है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2। कौन सा इसमें से नंबर है जो कि 2 से विभाज्य है। तो फ्रेंड, 2 से विभाज्य का नियम है कि अगर संख्या के अंत में, ठीक है, 2 का गुणनफल आ जाए, 2 आ जाए या 0 आ जाए, ठीक है ना, 2 या 0 आ जाए, तो संख्या क्या हो जाती है, 2 से गुणनखंड हो जाती है। या कहें तो 2 का गुणनफल आ जाए या 0 आ जाए, तो आपका क्या हो जाता है, 2 से गुणनखंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 0 आ रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, कोई भी ऐसी संख्या जिसके यूनिट डिजिट प्लेस पे अगर आपका 0 आ जाए या कोई इवन संख्या आ जाए ना, तो वो आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बॉड मास है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है बॉड मास, ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 3/2, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं, (4/7). यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इंटू है, और 10 × 3 क्या हो गया, 30 हो गया, इसको ब्रैकेट में रखिए, -16। इस प्रकार 3/2 × 4/7 × 14 काट दिए, कितना आ गया आंसर, 12। 12 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं फ्रेंड्स, प्राइम नंबर आपको पता होगा, प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है ना जो कि खुद से कटे और एक से कटे, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोले, जो वैसी संख्या जो खुद से कटती है ना, एक से कटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं, या कहा जाए तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, हिंदी में शायद उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ओके। यहाँ देखिए अभाज्य संख्या कहते हैं, आपसे पूछ रहा है पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत जो विषम है उसका बताना है। क्या पूछ रहा है, पहले 2 अभाज्य संख्याओं का औसत जो विषम है, ठीक है ना, तो विषम का पूछ रहा है। तो विषम का अगर बोला जाए तो क्या क्या हो जाएगा, विषम लगा दिया, इसको गौर कीजिएगा, सब नहीं बोल रहा है, विषम का बोल रहा है, तो पहले 3 आ सकता है, फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर है लेकिन विषम नहीं है, 7 हो जाएगा, फिर अगर लेंगे 11, 13, 17, 19, 23, 29 और कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, सबको ऐड कर देते हैं, 7 × 3 = 10 हो गया, 7 × 3 = 10 और 13 = 7 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 लिखिए 10 लिखिए, सबको जोड़ देंगे, 11 और 19 कितना हो जाएगा, 11 और 19 हो जाएगा 30, फिर 30 लिखिए, ठीक है, 23 और 7 कितना हो गया, फिर 30 लिखिए, ठीक है, और 30 × 40 = 60 हो गया। अब देखिए कितना आता है, 0 हो गया, 6 × 3 = 9, 3 × 12 = 13, 16, 160 आ रहा है फ्रेंड्स। एक बार फिर से देखते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31, 31 किसे कटता है, 31 तो नहीं कटता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसे जब ऐड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, आपका ऐड करने पे आ जाएगा, आपका ऐड करने पे आ जाएगा 158 आ जाएगा, कितना आ गया, 158। और औसत कह रहा है निकालने के लिए, तो 10 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, कितना आ गया, 15.8, डेट इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। आपसे यहाँ क्या पूछ रहा था, पहला 10 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मैंने क्या बोला, वैसी संख्या जो खुद से कटती है और जो एक से कटती है, और उसमें भी विषम बोल रहा है, विषम, इसमें ये बात को आप गौर कीजिएगा, ऑड बोल रहा है, तो कौन कौन सा संख्या होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 2 भी प्राइम नंबर है लेकिन विषम नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया, ठीक है ना, सबको ऐड कर देंगे, 10 से भागा दे देंगे, तो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 साल एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शन 3:5, 5:7, व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय। क्या कह रहा है, औसत आयु जो 3 लड़कों का दिया हुआ है, कितना साल दिया हुआ है, 15 साल दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 3 बॉय का, तो सम कितना हो जाएगा, 15 × 3 हो जाएगा, डेट इज 45 ईयर्स हो जाएगा, 45 ईयर्स, ठीक है। और उसका प्रपोर्शन क्या दिया हुआ है, 3:5, 5:7 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटा लड़का कितना एज होगा, सबसे छोटा लड़का कौन सा हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 3 लिख देते हैं, निकालना आपको इसका है, टोटल कितना है, 15 है और 45, 15 + 45, 9 साल हो जाएगा, इसका राइट आंसर।
तो सबसे कम उम्र के लड़की का उम्र क्या है, 9 साल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 8:5। इफ देयर आर 160 गर्ल्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स के नंबर का अनुपात कितना दे दिया, 8:5 कितना दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। इफ देयर आर 160 गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं 160 लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स कितनी हो गई 160, अगर यहां गुना करेंगे कितना हो जाएगा, कर लीजिए कितना बढ़ जाएगा, 32 गुना हो रहा है, ठीक है ना। और आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 8+5 हो जाएगा 13, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रेशियो में कितना आ गया, नंबर का बात करें 13 हो गया, तो 13 गुना क्या कर देंगे 32 कर देंगे, निकालिए 36 39 41 41 41 416, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका परम सत्य आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 8,000 रुपया और 9,000 रुपया एक बिजनेस में, किसी बिजनेस में ए और बी कितना इन्वेस्ट करते हैं, ए करता है 8,000 और बी करता है कितना, 9,000 करता है, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ हाफ ऑफ द कैपिटल, ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीना तक 8,000 लगाता है, फिर उसके बाद क्या करता है ना, ए विड्रॉ कर लेता है, कितना, हाफ विड्रॉ कर लेता है, कितना बचा, 4,000 बचा, ठीक है। देखिए एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना, टोटल एंड ऑफ द ईयर पूछ रहा है, ईयर के लास्ट तक पूछ रहा है, तो 4,000 में गुने 8 कर देंगे, 4 महीना तक पूरा 8,000 इन्वेस्ट किया, उसके बाद कितना इन्वेस्ट किया, 4,000 गुने 8, ठीक है। अब इसी प्रकार बी के लिए अगर बात करें तो बी जो है, ए विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड 2 मंथ्स लेटर, उसके 2 महीना बाद, किसके, जब आपका ये 4 महीना तक काम में 8,000 लगाता है ना, उसके 2 महीना बाद, मतलब 6 महीना बाद क्या करता है, बी विड्रॉ कर लेता है 1/3 विड्रॉ कर लेता है 6 महीना बाद, ठीक है, 6 मंथ बाद, तो 1/3 करेंगे तो कितना बचेगा, 6,000 बच गया, और कितना महीना तक लगेगा, 6 महीना तक लगेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो अगर बात करेंगे ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए ए कितना आ जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे ना, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 64,000 आ जाएगा, ठीक है, और बी आ जाएगा आपका कितना, बी आ जाएगा 90,000, ओके 90,000 आ जाएगा। अब काट लेंगे, जो कटता है उसे काट लीजिए, आपका कितना आ जाएगा रेशियो, आ जाएगा रेशियो, आ जाएगा 32:45, 32:45। देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, एक सिस्टर्न है जो कि फिल करता है 8 घंटा में, एक सिस्टर्न एक टंकी है जो कि भरता है कितना देर में, आमतौर पे 8 घंटे में भर जाता है, ठीक है, लेकिन इसके तल में एक रिसाव के कारण भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है, मतलब अगर 8 घंटा में भरता था लेकिन रिसाव के कारण क्या हो गया, फाइनली उसको एक भरने में कितना देर लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है, ठीक है ना, कितना लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है, ओके। इफ द सिस्टर्न इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन, अगर सिस्टर्न जो है फुल रहेगा तो लीक कितने देर में खाली कर देगा, तो मान लीजिए देखिए भरने में कितना देर लगता है, 1/8 लगता है, ठीक है, मान लेते हैं कि 8 घंटा लगता था ना, तो एक भाग को भरने में 1/8 घंटा लगेगा, और इसमें अगर माइनस करेंगे कितना, मान लीजिए कि एक भाग को खाली करने में 1/x समय लगता है, ठीक है, और ये कितना लग रहा है, एक भाग को भरने में कितना लग रहा है, टोटल अगर दोनों खुला रहे तो 1/10 लग रहा है, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपका x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 40 आवर्स आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो क्या कह रहा है, एक भाग को भरने में लगा समय कितना होगा, 1/8, ठीक है, और खाली कितना करता है, 1/x खाली करता है पार्ट, और टोटल भरने में कितना देर लगता है, 1 घंटा में 1/10 भाग भरता है, ठीक है, दोनों अगर खुला में रहता है तो एक्स निकालेंगे 40 घंटा लगेगा उसको पूरा खाली होने में, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कुंड में रिसाव होता है जो 20 मिनट में कुंड को खाली कर देता है, एक कुंड है, एक टैंक है जिसमें रिसाव होता है, ठीक है, रिसाव के कारण क्या होता है, 20 मिनट में खाली हो जाता है टैंक, एक नल चालू होता है, यहाँ पर नल है चालू होता है, ठीक है, जिससे जिस पर 4 लीटर 1 मिनट में पानी में प्रवेश किया था, 4 मिनट में कितना गिरता है, 1 लीटर गिरता है, ठीक है, 1 लीटर, ओके, और इसे 24 मिनट में खाली, तो क्या कर रहा है, प्रवेश किया जाता है और इसे 24 मिनट में खाली कर दिया जाता है, तो क्या कर रहा है, मिनट में सिस्टम, एंड इट इज एम्प्टी इन 24 मिनट, पूरा टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगता है, 24 मिनट लगता है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि सिस्टम कितने लीटर का होगा, सिस्टम जो होगा कितने लीटर का होगा, तो फ्रेंड्स भरने में अगर टाइम निकाला जाए ना, तो मान लेते हैं कि भरने में लगा समय के हो जाएगा 1/k, और खाली में कितना था, 20 मिनट लग रहा था ना खाली होने में, तो 1/20 कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, -1/24 के बराबर हो जाएगा, तो के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा 120 क्या आ जाएगा, 120 आ गया आपका मिनट आ गया, ठीक है, 120 मिनट आ गया। अब क्या बोल रहा है, एक मिनट में चार लीटर भराता है, कह रहा है ना, 1 मिनट में 4 लीटर भराता है, तो 120 मिनट में कितना लीटर भराएगा, तो 4 गुने 120 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 × 48 480 लीटर,
समझ में आ गया, 480 लीटर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौवां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अ गेन ऑफ 22.5%। एक शॉपकीपर है जो कि एक्सपेक्ट करता है कितना, 22.5% एक्सपेक्ट करता है गेन ऑन हिज कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। इफ इन अ वीक सेल वाज, तो फ्रेंड्स अगर ये सेलिंग प्राइस है ना, ये आपका क्या कर रहा है, सेल कर रहा है 392 में। अगर इसका निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस, तो आपको पता है सेलिंग प्राइस को कैसे निकालते हैं, अगर 22.5% का गेन हो रहा है तो कितना गेन हो रहा है, इसका अगर रेशियो निकालेंगे ना 122:5 आ जाएगा रेशियो, ठीक है। लेकिन आपको सीपी निकालना है ना, तो सीपी जब निकालना रहता है ना सेलिंग प्राइस से सीपी, तो कम वाला ऊपर हो जाता है फ्रैक्शन और ज्यादा वाला नीचे हो जाता है, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन कैसे निकला, जब प्रॉफिट का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होता है, 100 में ऐड हो जाता है प्रॉफिट परसेंट ऐड हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट बटा 100 हो जाता है, ठीक है, बटा 100 वही कर दिए तो आपका ये आ गया। और जब आपको सीपी निकालना रहता है एसपी में से, तो हम इसे पलट के गुना कर देते हैं, 100/122.5 कर दिए, इसको हटाएंगे, अब कैलकुलेट करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 320। आपसे पूछ रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले बेच कितना बढ़ा है 392 और सीपी कितना है 320, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 72 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी है जो कि 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और बेच देता है 15% के लॉस पे, 15% के हानि पे, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है साइकिल का। क्या कह रहा है कि 1400 रुपये का सामान है 15% के हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 1400 का सामान है, 15% हानि का मतलब क्या हो गया, 100 में हम लोग 15% घटा देंगे तो 85% / 100। अभी इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आ गया 1475 के 0, 14 8 कितना होता है बड़ी उत्तल से 119.0, 1190 रुपये में से क्या करेगा, बेचेगा, तो उसे कितने परसेंट का हानि होगा, 15% का हानि होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 मैथ्स के क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी सेट ला रहा हूँ ना, आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबा दीजिए कि इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूँ, और वीडियो शेयर जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।